मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि पूरे प्रदेश की सड़कें बने। मुख्यमंत्री जी ने सड़क को स्वीकृत भी किया है, आपके हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी सड़क को स्वीकृत किया है, लेकिन कोरबा जिले में जो स्थिति है थोड़ी सी अलग है। पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में कोई कलेक्टर सड़कों को रोकने काम नहीं कर रहा है, सिर्फ कोरबा जिले में कोरबा की कलेक्टर कर रही है। वो उनका निजी स्वार्थ है, वो क्या हासिल करना चाहती है ये जांच का विषय है। चलिए अब आपको कलेक्टर रानू साहू के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। रानू साहू गरियाबंद जिले के एक छोटे से गांव पांडुका में जन्मी हैं। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत बेहतर थीं। उन्होंने 10वीं कक्षा में उस दौर में 90% अंक हासिल किए थे, लेकिन उनकी हसरत थी वर्दी पहनना। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पुलिस की वर्दी बहुत आकर्षित करती है। वो खुद को हमेशा पुलिस की वर्दी में देखने के सपने देखा करती थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो DSP बनेंगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए रानू साहू ने ग्रेजुएशन के बाद सोचना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को इस बारे में बताया। बताया जाता है कि बेटी के पुलिस में जाने की बात सुनकर उनके पिता का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उनके पिता एक मामूली किसान थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पुलिस में जाए, क्योंकि पुलिस की नौकरी को महिलाओं के लिए सही क्षेत्र नहीं माना जाता था। ऐसे में माँ ने बेटी का हौसला बढ़ाया और पिता को मनाने में रानू साहू की मदद की। आखिरकार रानू साहू के पिता मान गए और रानू साहू ने भी अपने सपने को पूरा कर लिया और वे DSP बन गईं। अब रानू साहू DSP बन चुकी थीं, लेकिन उन्होंने इसी दौरान एक और सपना संजो लिया और वो सपना था IAS बनने का। पुलिस की ट्रेनिंग के साथ ही उन्होंने IAS की तैयारी भी जारी रखी। IAS बनने का चस्का लगा तो वो एग्जाम देती रही। आखिरकार उन्होंने साल 2009 में IAS का एग्जाम भी क्लियर कर लिया। इसके बाद कलेक्टर के रूप में उन्हें पहली पोस्टिंग कांकेर में मिली। वे कांकेर जिले की 14वीं कलेक्टर होने के साथ ही 4थी महिला कलेक्टर बनी थी। उन्होंने जिले की शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अच्छा काम किया था, लेकिन मौजूदा वक्त में वे कोरबा की कलेक्टर हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।